बहादुर से सीखिए, टोटल हड्डी गिना देते हैं बहादुर में, 200 कितनी हड्डियां होती है? 206। अब बहादुर अगर जवान हो गया होगा तो 206 होगा, बच्चा होगा तो 208 होगा, अगर नवजात होगा तो 310 होगा, 300 होगा। क्या है तू किस कैटेगरी में है? तीन को कैटेगरी, नवजात, अल्पवयस्क, अल्पवयस्क है तो तोरा में 208 हड्डी होगा, 206 को कैग होगा, बायोलॉजी पढ़ा है ना, कैग होता है बच्चा में, कैग होता है 206 को बच्चा में, बच्चा में 208 ना होता है, बड़ा में 6 होता है, और नवजात में 300-310 होता है। देखिए नुआ हड्डी से आगे नहीं है, देखिए इसको कहते हैं अग्रपाद, इसको कहते हैं अग्रपाद यानी फोर लिंब, अग्रपाद यानी फोर लिंब, ठीक है। और नीचे इसका जो पैर है इसको कहते हैं पश्चपाद यानी हैंड लिंब, पश्चपाद यानी हैंड लिंब। देखिए टोटल हड्डी हम लोग इनमें का प्रयास करते हैं, तो इसमें आप देखिएगा अग्रपाद, तो अग्रपाद में ये वाला जो हड्डी है इसको कहते हैं ह्यूमरस, इसको कहते हैं ह्यूमरस है। और ये कहा है कि तुम चमत्कार कर देगा कि कहा सरवा तारवा दीजिए, ठीक है, ह्यूमरस, इसको क्या कहते हैं ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में दो को हड्डी होता है, एक हड्डी होता है, दो को हड्डी होता है, एक का नाम है रेडियो और दूसरा का नाम है अलना, एक का नाम है रेडियो और दूसरा का नाम है, ये जो कलाई है कलाई, ठीक है, यहाँ पे आप कह देंगे इसको कहते हैं कार्पल्स, इसको क्या कहते हैं कार्पल्स, बहुत कोमल हड्डी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा 8 हड्डी, कितना हड्डी 8 को, ये जो आप देख रहे हैं ये पांचों उंगली के लिए जो हड्डी यहाँ से निकला है, ठीक है, इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स, क्या कहते हैं मेटाकार्पल्स, ये जो दिख रहा है आपका मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स दिख रहा है, ठीक है। फिर आपका ये जो अंगुलियां की हड्डियां जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे करो, हाँ ऐसे देखते रहो, है ना, ये फ्लेजेंस है ना, नीतू भी देखे ऐसे ऐसे करते हैं, मुंह रखो से लेकर नीतू, ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, तो ये प्लेजेंस है, प्लेजेंस कब कह रहा है, पूरा कब रहा है, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, देखिएगा, तो ये तीन तीन चौ बारह, एक एक अंगुली में कितना फोर है, तीन को चार, तो तीन चौ बारह दो चौदह, है ना, चौदह पांच कितना हो गया 19, 19 आठ 27 दो 29 एक 30, टोटल हड्डी कितना हो गया 30, और इसका कई को हाथ है 30 दूनी 60 हड्डी गिना गया, चलिए अब इसका है पैर वाला हड्डी गिना कर, ठीक है, तो ये इसका जो है जान है ना, इसको कहते हैं ये फीमर, इसको क्या कहेंगे फीमर, फीमर है ये सबसे बड़ी हड्डी होता है, चक्री को जो होता है ना टेहुना में चक्री, उसको कहते हैं पटेला, क्या कहते हैं पटेला, ठीक है, पटेला। और टेहुना के नीचे जो है ना, टेहुना के नीचे ये पैरों को चप्पल खोल कर उठाओ ना, ठीक है, बस ज्यादा नहीं, हाँ, तो ये हो गया आपका टिबिया फिबिया, इस हड्डी का नाम क्या हो गया, यानी टेहुना के नीचे हो गया क्या टिबिया फिबिया, ठीक है, टिबिया फिबिया। और ये वाला जो हो गया कितना ना पकड़ लेना, ठीक है, टिबिया फिबिया, ये जो घुटना वाला था ये सब घुटना ना कहते हैं, ये तखना जो भी क्या कहते हैं तखना, ये हां ना जो भी हो, तो ये हो गया आपका टार्सल, ये हो गया यहाँ पर था कार्पल्स, इसको दिखाओ, ये कार्पल्स है यहाँ टार्सल, और ये जो आपका हो गया ये वाला, ये मेटा मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, उंगली हो गया जगी, तो तीन तीन को इसमें हो जाएगा वही हाल, तो 312 दो 14 है ना, तो 14 और 5 19, और यहाँ पर था 7 को, मेटा टार्सल क्या होगा 7 हो चुके हैं, पेटल यहाँ जाता है 7 और 2 9 है, फिर से 14 5 19 और 19 7 26 और 2 28 और 1 और ये फीमर 30, ठीक है, गोल है इसका 30
दुनी 60 60 60 कितना हो गया 120 120 ठीक है। ये देखिए इसका खोपड़ी है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क। इसको क्या कहते हैं? सुंदर दिखने के लिए क्लिप लगाया है, सुंदर हो जाए। तो ये आप देखिए जो चेहरा देख रहे हैं ना, सुंदर सुंदर चेहरा, ठीक है। 14 हड्डी से बना है, कितना हड्डी से? 14 हड्डी से चेहरा, ठीक है। और ये ये जो आप ऐसे करो, ये बाल जो है पूरा बाल, ये 8 हड्डी से बना है, कितना? इसको कहते हैं अस्कल यानी खोपड़ी, इसको कहते हैं अस्कल यानी 8 और 14 कितना हो गया? 22। 8 और 14 कितना हो गया? 3 गो ई कनवा में, 3 गो ई कनवा में 6 गो कितना हो गया? 28। एक हो गया हाइट, देखिए दाढ़ी उड़ी आ रहा है, ठीक है। एक हो गया हाइट 29, है ना, फिर से समझिएगा, ठीक है। 14 में है ना फेस बोन, चेहरा का हड्डी 14, अस्कल बोन 3 और 3 6, है ना, 28 एगो हाइड, टोटल मस्तिष्क में कितने होती है ना 29, यानी 29 120 हो गया ना। चलिए फिर है ना, ये जो है इसकी छाती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। बक्ष गुहा हिंदी में कहते हैं बक्ष गुहा। तो ये थोरैसिक कैविटी का निर्माण होता है 25 हड्डी, सॉरी तो यही आपका है कि टोटल अस्कल है, ये चेहरा, चेहरा 14 और ये है ना अस्कल, अस्कल के 8, ठीक है। कान इसका तो हाइट नहीं, 6 यहाँ पर दाढ़ी के पास हाइट होते हैं, और 29 टोटल 29। ये देखिए 12 है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। दो को जो हड्डी होता है ना पूरा सटल नहीं होता है, ठीक है। 12 को इधर हो गया, 12 को इधर, 12 2 24, बीच में जो जोड़ने वाला पॉइंट है ना, ये जोड़ने वाला, उसको कहते हैं स्टर्नम, है ना, स्टर्नम, ठीक है। और ये हो गया 12 12 24 1 25, ठीक है। अब ये देखिए रीढ़ की हड्डी है, ये हो गया रीढ़ की हड्डी, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी है, ये टोटल है ना 26 होता है वयस्क में, और बच्चा में होता है 31, है ना, वयस्क में 26, बच्चा में 31, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिएगा, ये जो है इसको थोड़ा सरफ से नहा देना, सब लोगों से गंदा हो गया, ठीक है। ये इसको कहते हैं ह्यूमरस, इसको कहते हैं ह्यूमरस। ये देखिए दो हड्डी है नीचे में, तो एक है टिबिया, दूसरा फिबिया, नहीं रेडियो अलना, रेडियो अलना, ये रेडियो और अलना, ठीक है। ये जो यहाँ पे कलाई है, कलाई के पास क्या बोलते हैं? कार्पल्स, क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी? 8, कितनी हो जाएगा? 8। आई तलहटी है, तलहटी मतलब 5, आई अंगुली हो जाएगा, है ना, तो 14, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया 14। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ये देगा कि हड्डियों की संख्या किसमें ज्यादा है, तो अंगुलियों में, अंगुलियों देखिए 14 को इसमें, 14 को इसमें, 28 को और 28 को नीचे, 52 को अंगुली है, यानी 52 हड्डी हो जाएगा अंगुलियों में। सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या किस हो जाएगा? अंगुलियों में, यानी 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ये देखिए यही कॉलर बोन है, ये जुटा हुआ है ना, यही कॉलर बोन जिसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ठीक है। फिर पीछे दो हड्डी है, देखिए जो इसको है ना, ये वाला जो हम लोग ऐसे करते हैं तो पीछे नहीं जाता है, ये हो गया दो को, ठीक है। अरे वो नीचे हो गया, ये हो गया नीचे, तो 6, तो 206 हो गया, 206 एक ब्यूटी बोन, एक स्कैपुला, और एक ये हो गया पेल्विक, हो गया टोटल 206 हड्डी, 206 हड्डी गिन ली, 206 हड्डी फिर से आएगी। 60 को यहाँ, 60 को ये हाथ में, 60 को हाथ, 60 को पैर में, 120, 29 को मुड़ी में, है ना, छाती में 25 को, और 26 को रीढ़ में, ठीक है, 26 को रीढ़ में, और ए दू दू चार दू छ हो गया